नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में, जहां हम चर्चा करेंगे कन्हैया कुमार के बारे में। आखिर उन्हें कांग्रेस के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंपी जा रही है, क्योंकि बीते कई वक्त से हम ये लगातार देख रहे हैं कि कन्हैया जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रामक रवैया अख्तियार किए हुए हैं। और तमाम अगर मुद्दों की बात करी जाए तो उसमें उन्हें हवालात यानी कि जेल जाने तक की नौबत जो है वो देखने को मिली थी। लेकिन बावजूद उसके अगर बड़े नेता की बात करी जाए तो वो सारी खूबियां कन्हैया कुमार में आती हैं। जब अपनी बात को रखते हैं तो जनता बड़े आराम से, सलीके से और कायदे से उनकी बात को सुनती है। तो तमाम सारे गुण हैं उनमें जो एक नेता के अंदर होने चाहिए। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली तक ही उन्हें जो है वो सिमटा कर रखा जा रहा है। ये भी चर्चाएं थी कि बिहार में उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, लेकिन क्या तेजस्वी यादव इस बीच आ रहे हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि लालू यादव खास तौर पर कन्हैया को पसंद नहीं करते हैं, या फिर जिस तरीके से लगातार ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उन बड़े नेताओं को आगे बढ़ाने के लिए जानी जाती है जिनके पास कई जो है वो पैसा होता है। इस तरीके की जो खबरें हैं वो लगातार हमें मिल रही हैं और उन्हीं के आधार पर हम ये चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल मेरे साथ मेरे सहयोगी अबरार है। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो उसमें कन्हैया कुमार एक बड़ी हस्ती जो है वो अब बन चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी पर लगातार निशाना साध रहे हैं और उनमें तमाम नेता बनने के गुण हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी आखिर क्यों नहीं दी जा रही? देखिए, कन्हैया कुमार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर उनके बयानों की बात की जाए तो इस वक्त युवा चेहरे के रूप में अगर देखा जाए तो कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा में जो उन्होंने अपने नाम को और ज्यादा बढ़ाया है, खास तौर से अगर देखा जाए तो कन्हैया कुमार को एक जो है कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ करके जो है हमेशा अभी भी देखा जाता रहा है, जब वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे उसके बावजूद भी। लेकिन उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में जितने लंबे दिनों तक लगातार आप कह सकते कि रहे और साथ ही जिस तरीके से उन्होंने अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन करने की कोशिश की, तो इस वजह से अब माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी मजबूर जरूर होगी कि कन्हैया कुमार का इस्तेमाल उनके चेहरों पर राजनीतिक रूप से किस तरीके से सियासी फायदा उठाया जाए। हालांकि बिहार में भले ही बीते लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि बेगूसराय सीट का कुछ समीकरण इस तरीके का बन गया, वहां पर गिरिराज सिंह थे और जो है डॉक्टर तनवीर हसन थे, तो ऐसे में आरजेडी की तरफ से जो तनवीर हसन चुनावी मैदान में उतरे हुए थे उन्होंने जितनी जो है वोटों को हासिल किया था उन्हीं वोटों के जो है आर पार के हिसाब से आप कह सकते हैं कन्हैया कुमार को हार का सामना करना पड़ा था, तो वहां पर उन्हें जो है जरूर असफलता मिली। लेकिन ये बात तय है कि जो है कन्हैया कुमार एक लंबी रेस के घोड़े के तौर पर देखे जा रहे हैं राजनीति के लिहाज से, और ऐसे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी उनका इस्तेमाल जो है लोकसभा चुनाव और अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होने वाले उसमें भी कर सकते हैं। खास तौर से बिहार की बात अगर करें तो बिहार में कन्हैया कुमार को इसलिए भी ज्यादा जिम्मेदारी या आगे नहीं किया जा रहा है क्योंकि वहां पर तेजस्वी यादव जो है सबसे मुख्य चेहरे के तौर पर अगर कन्हैया कुमार आगे आते हैं फिर तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। और साथ ही कांग्रेस पार्टी के लिए ये भी एक बाइनरी है, एक मुसीबत है कि वो खुद उस गठबंधन उस सरकार का हिस्सा इस वक्त है। बिल्कुल, आपने बड़ी जो है वो बात कह दी है। फिलहाल अगर बात करी जाए कन्हैया कुमार जिस तरीके से बेगूसराय की एक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हार जाते हैं, क्या ये माना जा सकता है कि चुनाव में जिस तरीके से उनकी हार हुई ये एक बड़ी वजह हो सकती है? क्योंकि जिस तरीके से ये भी लगातार देखा गया कि वो भले ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमलावर रहे, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए ये उम्मीद जता रही थी कांग्रेस, ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि कन्हैया कुमार के जो समर्थक हैं और तमाम जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो यही कह रहे थे कि कन्हैया कुमार अब इतने बड़ा नाम हो चुका है या फिर वो अपना कद को इतना ज्यादा बड़ा बना चुके हैं कि कांग्रेस उन पर आसानी से भरोसा कर सकती है, और इसी भरोसे को लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि उसके बाद भी उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है, आक्रामकता अभी भी उनके अंदर उतनी है और राजनीतिक विशेषज्ञ उनका कद अभी भी उतना ही बड़ा मानते हैं या फिर उससे ज्यादा मानते हैं। तो क्या ये जो हार थी एक बड़ी वजह थी और आने वाले चुनाव में जब उस कन्हैया को कांग्रेस उतारेगी तो हार का डर रह सकता है?
देखिए कन्हैया कुमार जिस समय बेगूसराय सीट से लड़ रहे थे उस समय वो कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा थे और कम्युनिस्ट पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही वो चुनावी मैदान में उतरे हुए थे। तो कम्युनिस्ट पार्टी का जनाधार बिहार की सियासत में उतनी ज़्यादा नहीं, हालांकि कई सीटें उनके पास है, लेकिन उसके बावजूद भी एक जो जनाधार मजबूत जिसको कहा जाता है वो कम्युनिस्ट पार्टी का बिहार की धरती पर नहीं देखने को मिलता। तो ऐसे में उनके लिए ये भी एक बड़ी जो है आजमाइश थी कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के चुनावी चिन्ह पर किस तरीके से जीतकर भारत की जो है संसद में पहुंचे। और उस सीट की अगर बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट जो है वो आप कह सकते हैं ब्राह्मण समाज का है। और उस लिहाज से देखा जाए गिरिराज सिंह का जो सियासी जो है एक तरीके से उनका हमेशा का बयान रहता है वो बयान कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद भी रहता है, और इस वजह से कहीं ना कहीं वो उस सीट पर अपने पक्ष में माहौल बनाने में कामयाब रहा। उस वहाँ पर आपको बताएं कि जो है चुनाव से पहले ही एक जो है वहाँ पर धार्मिक उन्माद भी हुआ था जिसको लेकर के गिरिराज सिंह ने सियासी तौर पर अपने पक्ष में काफ़ी ज़्यादा माहौल बनाने की कोशिश भी की थी, लगभग उनका भी नाम उस पूरे मामले में सामने आया था। तो इन सारी चीज़ों का राजनीतिक रूप से गिरिराज सिंह को फायदा पहुंचा था। और आरजेडी की तरफ से जो उम्मीदवार थे डॉक्टर तनवीर हसन, तो सेकुलर वोटों में बिखराव की वजह से कन्हैया कुमार को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि प्रदर्शन उनका पहली बार चुनाव में उतरने के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी बेहतर रहा। बिल्कुल काफ़ी बेहतर रहा। और फिलहाल अगर बात करी जाए तो इसी में एक और बड़ा सवाल बनता है कि जिस तरीके से हमने देखा कि हार्दिक पटेल जो है वो कांग्रेस में थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, बीजेपी का दामन थामा और गुजरात चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल करी, क्या ये भी सवाल उठ सकता है कि कन्हैया कुमार लगातार कांग्रेस में अनदेखा होने के बाद उन्हें अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती, ऐसा तमाम और पार्टियों में भी हमें देखने को मिला है, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं? क्योंकि अगर राज्य सरकारों की बात करी जाए तो यहाँ पर तमाम आने वाले चुनाव हैं, लगभग 9 विधानसभा चुनाव आएंगे, फिर एक बड़ा लोकसभा चुनाव आएगा, तो कन्हैया कुमार ऐसे में किसी भी सीट से अगर खड़े होते हैं तो बड़ी आसानी से जो है वो जीत हासिल कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि कन्हैया कुमार इंतजार करेंगे, लेकिन इंतजार जब उनका जो सब्र का बांध है वो टूट जाएगा तो फिर पार्टी बदलेंगे? देखिए अब जो है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी उनको लगातार प्रमोट कर रही है, लगातार आगे कर रही है, तो ऐसे में नहीं कहा जा सकता कि वो अलग जाएंगे, क्योंकि राजनीति को बहुत करीब से समझते, छात्र राजनीति से उनकी शुरुआत हुई थी, तो ऐसे में काफ़ी बेहतर समझ है और कह सकते हैं कि केंद्र की राजनीति में खुद को और ज़्यादा प्रबल जो है बनाने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी का रुख किया था, तो ऐसे में वो इस तरीके का फैसला नहीं लेंगे। और जहाँ तक बात फिर से एक बार लोकसभा चुनाव में उतरने की है, तो अब तो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है वो, कांग्रेस पार्टी खुद महागठबंधन सरकार में शामिल है, तो ऐसे में जहाँ से उनको सीट मिलेगी जाहिर सी बात है कि वहाँ से जो है आरजेडी या फिर जेडीयू किसी भी सेकुलर पार्टी या महागठबंधन के जो तमाम सियासी दल है वो अपने जो है उम्मीदवारों को वहाँ से नहीं उतारेंगे। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कन्हैया कुमार की जीत हो सकती है, क्योंकि पिछली बार जो समीकरण था वो बिल्कुल अलग तरीके का था, कम्युनिस्ट पार्टी से वो उतरे थे और फिर आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार डॉक्टर तनवीर हसन थे, तो ऐसे में उनको हार का सामना करना पड़ा। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए अबरार बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने आपको बताने की कोशिश करी कि जिस तरीके से कांग्रेस के सामने काफी सारी चुनौतियां हैं, उसी तरह कन्हैया के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां, आखिर कैसे कन्हैया जो है वो इन चुनौतियों से पार पा पाएंगे, और अगर सीट की बात करी जाए तो जिस भी सीट से वो चुनाव लड़ेंगे क्या वो एक बार फिर जीत हासिल करेंगे, क्योंकि पिछली बार का चुनाव वो हारते हुए नजर आए थे। इन्हीं तमाम सवालों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।